हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका पेंटा सिटीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीएचएम पांडुचेरी टी10 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर वॉरियर्स वर्सेस रॉयल्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे किनारे लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मिलेंगी, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं बुखाती T20 का वीडियोस अपलोड करके दूंगा। इनके अलावा यहाँ से विटालिटी T20 ब्लास्ट कवर कर रहे हैं। आज के दिन में आपको ICC वुमेंस T20 क्वालिफायर जो चल रहा है ना, उसके मैचेस का भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच किया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 2 बजे कैप ग्राउंड 3 पुडुचेरी इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर न्यूट्रल और बैलेंस है। देखो रन्स की बात करो, रन्स ज़्यादा बनते नहीं है, 80-90-100 रन एवरेज है। हालांकि कई बार यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात करो तो 176 बने, इसके अलावा यहाँ से 160 बने, 130 के पार यहाँ पर 2 से 3 बार स्कोर बनाए, तो रन्स बनते हैं यहाँ पर रेयर केस में। बाकी एवरेज की बात करें, एवरेज यहाँ पर 80-90-100 के आसपास स्कोर बनेगा। चेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉस की बात करते हैं, टॉस यहाँ पर डेली चेंज होता है। यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग की बात करो तो कल तीनों ही मैच यहाँ पर पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीती थी, इसके पहले यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज था, तो ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे वॉरियर्स की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी 12 मैचेस खेल चुकी है, 6 मैच जीती है, 6 मैच आ रही है। ओपनिंग में नटराजन कुदंजवेलु के साथ यहाँ पर बी प्रभु ने ओपनिंग करवाया। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऐसे नटराजन कुदंजवेलु ने 49 और 30 रन के साथ शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन इसके बाद कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। रिस्की है, GL में ट्राई करोगे, स्मॉल लीग के लिए मैं प्रीफर नहीं करता। बी प्रभु की बात करते हैं, बी प्रभु जैसे वेरी इंपॉर्टेंट इन पिक रहेंगे। लास्ट मैच के अंदर 79 रन किए थे, इसके पहले 23 किए, इसके पहले इन्होंने 2 बार यहाँ पर 60 प्लस की पारी खेली हुई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ऐसे बी प्रभु। डेफिनेटली लेके भी जाएंगे, इवन GL वगैरह में आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। जी थमीजमणि वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, कंसिस्टेंसी से इन्होंने विकेट्स निकाले पिछले कुछ मैचेस के अंदर, और रन्स से भी जब भी मौका मिलता है तब यहाँ पर 19-26 जैसे स्कोर भी किए हुए, तो जी थमीजमणि इंपॉर्टेंस रहेंगे, इवन टीम के कप्तान भी है और एज अ प्लेयर हम लोग इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। बात करते हैं ऐसे गजेंद्र तनवर की, तो गजेंद्र तनवर का रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। देखो ये उस लेवल का प्लेयर है जो कि यहाँ पर 60-70 रन की पारी कभी भी खेल सकता है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन रिसेंटली फॉर्म की बात करो तो रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है इनका। हालांकि इसी टूर्नामेंट के अंदर एक 25 रन की ठीक ठाक पारी खेली हुई है, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा। अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो आप लोग इस बंदे को लेके जा सकते हो। डी सुखदेव और यहाँ पर सेल्वनियम, ये दोनों ही के बारे में मैंने पहले ही बताया। देखो सेल्वनियम की बात करो तो देखो यहाँ पर मैंने एक बार आपको एक चीज़ बताई थी कि इस टूर्नामेंट के अंदर ना अच्छा परफॉर्मेंस करना गुनाह है, पाप है, क्योंकि सेल्वनियम ने जब टॉप में खेला तो यहाँ पर 47-24-37 जैसी पारियाँ खेली, तो इनको लास्ट मैच के अंदर नीचे भेजा गया, नीचे मीन्स यहाँ पर 6 नंबर पर भेजा गया। डी सुखदेव की बात करते हैं, ऐसे 24-27-22 जैसे स्कोर किए थे इन्होंने, तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी वो 7वें-8वें नंबर पर भी आते हैं, कभी कभी 4थे-5वें नंबर पर भी आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। इवन सेल्वनियम जो है यहाँ पर सेफ रहेंगे, ज़्यादातर पब्लिक लेके आएगी, तो ऐसे सेल्वनियम सेफ रहेंगे डी सुखदेव से ज़्यादा। बाकी ओवरऑल डी सुखदेव एक काफ़ी अच्छे प्लेयर है और 50-60 रन की पारी कभी भी खेल सकते हैं। सचिन सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो ये ओके रहेंगे, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, इवन कई बार तो इनकी बैटिंग भी नहीं आई है, हालांकि इन्होंने भी 24 और 18 जैसे ठीक ठाक पारियाँ खेली हुई है, तो रिस्क लेना चाहो ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। इस्माइल को सजेस्ट नहीं करता मैं, बाकी मयंक पांडे एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सजेसेबल, मैंने इनको कई बार सजेस्ट किया हुआ, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है ओवरऑल, 2 विकेट 2 बार निकाली, एक बार 26 रन के साथ 1 विकेट, फिर यहाँ पर 2 विकेट, तो आप लोग इनको एज अ प्लेयर तो लेके जाओगे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो ऐसे मयंक पांडे को। इनके अलावा ऐसे रघुल बी ने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाली, इसके पहले यहाँ पर 3 विकेट निकाली थी, और यहाँ पर ज़्यादातर मैचेस के अंदर इन्होंने 1-1 विकेट निकाली हुई है, तो रघुल बी को आप लोग डिफरेंस वैल्यू में ट्राई कर सकते हो और लेके जा सकते हैं।
वैसे लास्ट मैच के अंदर हमारे लिए पंट प्लेयर थे जहाँ पर जिन्होंने 2 विकेट निकाल के हमको अच्छा खासा विनिंग करवाया, और एक बार फिर से उनसे वही उम्मीद रहेगी। कृष्ण कुमार एस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस रहेंगे, और शिव कुमार शंकर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो देखो ये 3 प्लेयर है ना, इन तीनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है हमें, वो फिर ऐसे रघुल भी हो, कृष्ण कुमार एस हो या फिर शिव शंकर, तीनों में से किसी को भी हमें ड्रॉप नहीं करना है। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी रखा हुआ है। रॉयल्स ने 13 मैच के लिए 2 मैच जीते, 10 मैच हारी है और सिर्फ 1 मैच इनकी टाई रही थी। तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है और ओवरऑल ये टूर्नामेंट से बाहर है, तो कुछ भी बदलाव कभी भी कर सकते हैं। लास्ट मैच के अंदर सुनील जी और प्रवीण कुमार पी दोनों ने ओपनिंग करवाया। प्रवीण कुमार पी मतलब कि जिन्होंने इनके ऊपर तुक्का मारा होगा ना, उनका अब सही रहा होगा, मतलब 35 रन किए थे, 1 विकेट निकाली थी, करीब 80 पॉइंट्स के आसपास उन्होंने पॉइंट्स दिए थे। तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने 21 रन की पारी खेली हुई है। सुनील जी को हमने लिया था लास्ट मैच के ना, जहाँ पर इन्होंने 12 रन किए, तो आप लोग चाहो तो ऐसे प्रवीण कुमार पी के वो ले सकते हो पर सुनील कुमार जी की जगह पर। जे मणिकंदन इंपॉर्टेंस रहेंगे, हालांकि इन्होंने भी पिछली दोनों मैच के ना कुछ खास नहीं किया, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट का इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो लेके जा सकते हैं। सैम जी यहाँ पर जयप्रकाश एस की करते हैं, जिन्होंने शुरुआत जबरदस्त की, दमदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद पिछली 4 मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, वेरी रिस्की रहेंगे, GL में ट्राई करना है आपको स्पेशली। बाकी बात करें हम लोग ऐसे, कार्तिक किशन एस इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं, 2 बार 20+ की पारी पिछली दोनों मैच के अंदर खेले हुए, तो ऐसे डेफिनेटली एक अच्छी पिक है कार्तिक किशन एस, और आप लोग इनको लेके जा सकते हो। अभिनेश वाई विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, देख लेते हैं, अगर कोई चॉइस ना मिले तो हम लोग इनको लेके जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन 18 और 14 जैसा रन किया, जो कि तनवर से बेहतर है परफॉर्मेंस, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जनार्थनन एस काफ़ी रिस्की रहेंगी, हालांकि एक बार इन्होंने 35 रन की पारी जरूर खेली हुई है। अजय यार ओके रहेंगी, कालीडोस वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली हम लोग लेके जाएंगे इनको, क्योंकि हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे, इवन यहाँ पर विकेट्स वगैरह इन्होंने चटकाई है, लास्ट मैच के अंदर भी हमारे लिए हमारी टीम के अंदर थे, और आगे भी हम लोग इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्क आप लोग ऐसे भरत कुमार जी के ऊपर ले सकते हो, क्योंकि बंदा रेगुलर ओवर्स करवा रहे हैं, हालांकि विकेट्स तो रेगुलर नहीं मिल रहे, लेकिन 2 बार इन्होंने विकेट निकाले। देखो इनका पैटर्न क्या है ना, पहले मैच के अंदर विकेट लेस रहे, फिर 2 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे, फिर 1 विकेट निकाला, फिर यहाँ पर ओवर्स नहीं करवाई, फिर लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, हो सकता है अगले मैच के अंदर यहाँ पर 1 आधी विकेट निकाल सकते हो, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। एस जी जीतू वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और राजशेखर मुठू वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली हम लोग ऐसे राजशेखर मुठू को लेके जाएंगे। वन मुठू यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन सजेसेबल है। अभी देखो इनका नाम क्या है, इनका नाम ड्रीम इलेवन में यहाँ पर एम राजशेखर है, मुठू नहीं लिखा है यहाँ पर, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है हमें, राजशेखर मुठू जो है इनका नाम यहाँ पर एम राजशेखर है, ध्यान रखिएगा। बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जीत अनवर को लिया है, लेकिन ये रिस्की है बहुत, अगर कुजंद वेलू लाइनअप में रहेंगे तो हम लोग यहाँ कुजंद वेलू को लेंगे, अगर सब्स्टिट्यूट में लेंगे तो नहीं लेंगे, मैंने अभी ये नहीं लिया इनका, मतलब लास्ट मैच के अंदर वो सब्स्टिट्यूट में खेले थे, तो लाइनअप में लेंगे तभी हम लोग इनको लेंगे। बैटिंग सेक्शन में बी प्रभु और जे मणिकंदन है, यहाँ पर आप लोग सुखदेव सेलवन एम और जी सुनील कुमार इन तीनों में से किसी एक को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर कार्तिक किशन एस है, जी थमीजमणि और एस कृष्ण कुमार हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर मयंक पांडे है, मुठू राजशेखर है, देखो यहाँ पर एम राजशेखर ही नाम होगा इनका, लेकिन इनका पूरा नाम ऐसे मुठू राजशेखर। बी रघुल रहेंगे, इनके अलावा ऐसे एस शंकर और यहाँ पर एस जी जीतू हमारी टीम के अंदर रहेंगे, और बाकी आप लोग किसी और प्लेयर को लेना चाहते तो रिस्क रहेगा, और उस रिस्क को आप लोग यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देख कर ही ले सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहने वाली हमारी, कप्तान वाइस कैप्टन मैंने बहुत ज़्यादा रिस्की की है, कप्तान यहाँ पर मयंक पांडे को किया है, जीतू हमारे लिए वाइस कैप्टन है। पब्लिक चॉइस की बात करो तो बी प्रभु सबके कप्तान वाइस कैप्टन रहेंगे आज, क्योंकि ज़्यादातर कोई ऑप्शंस है नहीं। बाकी आप लोग बॉलिंग सेक्शन में से किसी भी प्लेयर के ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो, वो फिर यहाँ पर एम राजशेखर हो, इनके अलावा ऐसे एस शंकर हो या बी रघुल हो, किसी को भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन से ये सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर कभी भी 2-3 विकेट निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अगर किसी प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेना है तो मैं बॉलिंग सेक्शन से ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में इतना सारा डीप नहीं, हालांकि ये कभी कभी 70-80 रन की पारी खेल लेते हैं, तो इनको आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी, याद रहे जो टीमें डेमो है फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसे
ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर ही मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी सी टीम बनाओ और अच्छी खासी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।